भाई तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि आज क्या है, जन्माष्टमी है, तो फिर और आकांक्षा भी आज फास्टिंग की हुई है। ओनली फ्रूट्स उसको खाना है और कुछ तो खाना नहीं है आज। तो अभी आकांक्षा के साथ मैं मार्केट निकला था, हम लोग अभी जस्ट जूस पिए और अब निकल रहे हैं, गाड़ी वॉश में देना है, फिर देखते हैं रास्ते में अगर कुछ और जूसेस पीना है तो पिलाते हैं। चेहरा देखिए, हम तेल लगाए हैं ना, शाम को तैयार होंगे। तेल लगाए उससे क्या है, हम भी तो तेल लगाते हैं, उसमें क्या है। आप आज स्मार्ट बन के हम बोका दिख रहे हैं, बोका बोका नहीं बस स्मार्ट लगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं गाड़ी को देने के लिए, वॉश करने के लिए, तो फिर वहाँ कितना टाइम लगता है देखते हैं, फिर घर चले जाएंगे। देखिए घर जाना है, कार वॉश वाला है वो अपना जान पहचान है, घर गाड़ी को घर नहीं, गाड़ी को घर पहुँचा देगा। चलो तो बढ़िया है, और फिर मेरा बैंड जो दिया है वो तो वो हम लोग शाम को आएंगे। और कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीदना है कंचा के लिए, फास्टिंग आज का फास्टिंग है, बट फ्रूट्स खा सकती है, नहीं भी खाएगी कुछ तो भी चलेगा, बिकॉज थोड़ा सा डाइटिंग वाला काम हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग शरीर का हालत, जोर से बोलिए, मोटे 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 होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे। फास्टिंग जरूरी है ना बीच में एक बार, नहीं हम अब सोच रहे हैं ना वीकली भी एक दिन करें। और बताइए कुछ, आज ये ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, और इन्होंने अपना शादी वाला शर्ट पहना है, यही पहन के शादी हुआ था। शर्ट पहने स्मार्ट लगता है कोई, ये पिए क्या? नहीं नहीं अमिताभ नहीं पिए, ये देखिए छपरा का मार्केट में गाड़ी चला रहा है ना, मेरा स्कूल दिखाइए, दिखाता हूं, जहां पढ़े, जहां से हम 10th पास आउट हुए, दिखाता हूं। एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल छपरा का एकमात्र स्कूल नहीं, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है ये, लेकिन बहुत सारे स्कूल है यहाँ। तो वो फ्रेंड्स हम लोग मार्केट आए हुए थे, और मार्केट जाने के बाद गाड़ी सर्विसिंग में दे दी, और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था जिस वजह से हम व्लॉग नहीं बना पाए। तो अभी जा रहे हैं कार को लेने के लिए, हमारी कार पूरा एकदम वॉश हो चुकी होगी, धुला उला के एकदम रेडी होगी, हमारा वेट कर रही होगी, और जा रहे हैं हम लोग टोटो में क्योंकि पापा बाइक लेके निकल गए थे। तो कैसा लग रहा है आपको टोटो में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है टोटो का, देखने पता नहीं और क्या क्या दिन अभी देखना पड़ेगा। कैसा लग रहा है बताइए? मजा आ रहा है ना, रास्ता भी एकदम रोलर कोस्टर है, ऐसे रोड अच्छा था पर बारिश होने के कारण इधर रोड खराब हुआ है। बारिश की वजह से रोड खराब, हाँ तो पिछली बार ऐसा तो था, ऐसा नहीं था, लेकिन अभी तो रोड फिर भी बहुत खराब हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना कार लेने के लिए, खरीदना नहीं, कार वॉश करने लिए दिया हुआ था मैंने, तो फिर वहाँ पे टाइम लगने वाला था, तो हम लोगों ने कार वहाँ छोड़ दिया था, अभी जाता है कार रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा मार्केट पे काम है, एंड देन कम बैक टू होम, क्योंकि आज घर पे हो गया पूजा बाल गोपाल जी का, और फास्टिंग में होने के बाद भी हम इनका इतना साथ दे रहे हैं, इनके साथ जा रहे हैं, पर इनको मेरा कदर नहीं है, तो मेरे को भी सेविंग करके जाना है। सेविंग कराते हैं और हम वहाँ बैठते हैं। तो देखिए हम बस वीडियो बनाने का कंसर्न यही था कि यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं छपरा का ये रोलर कोस्टर रोड, हिले जा रहे हैं। अब देखिए पूरा रोड आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए रोड का हाल है, ये छपरा का बस स्टैंड है, छपरा का बस स्टैंड है, देख सकते हैं कितना बुरा हाल है यहाँ पे, इधर देखो छोटा मोटा दुकान सब है, जस्ट लाइक अ विलेज, स्मॉल विलेज। क्या बोले हैं अपना अपना पड़ा नहीं देखे हैं, ये देखिए अपना गांव नहीं देखे हैं, छपरा को विलेज बोल रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं जहाँ से हम लोग का मतलब बारात मेरा रुका था शादी का, और शुभम जी यहीं पे एक होटल है, होटल मयूर, वन ऑफ, ये देखिए होटल मयूर, ये होटल में इनका ये रुके हुए थे, हम लोगों ने अरेंजमेंट कराया था, अभी आपको अच्छे से दिखाते हैं, ये देखिए ये रहा होटल, इसी होटल में मेरा बारात था, मतलब शुभम जी लोग इसी में थे, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना गाड़ी लेने, ये हमारा कार, बताइए आपको रुकना पड़ गया, कितना रुपया हुआ भैया? फाइनली हमारा कार क्लीन हो चुका है, एकदम नया लग रहा है, और सबसे मज़ा तो मीन्स अंदर में ये सारा मतलब
तीन चार महीना के से तो गाड़ी साफ नहीं हुआ था। आज जो कार हम लोगों ने प्रॉपर इंटीरियर वगैरह क्लीन कराया है इसका, आप लोग देख सकते हैं पूरा सीट वगैरह सब कुछ। गाड़ी क्या बोले, मजा आ रहा है जब ऐसे गाड़ी को आप क्लीन देखते हो ना। बाय गॉड। सो शुभम जी इधर देखिए, इधर देखिए, आपने कोलकाता में जो साफ कराया है और छपरा, छपरा बेस्ट है ना, आपने छपरा में सेविंग, कोलकाता में सेविंग भी कराया था, लेकिन आपको कैसा लग रहा है बताइए। छपरा के लिए दो अच्छे शब्द बोलिए। छपरा इज बेस्ट फॉर कार क्लीनिंग। आप कभी भी आए तो यहाँ जरूर आए। क्या नाम है? गाड़ी धुलवाएं। सेवन स्टार है ये। सेवन स्टार डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अरे बाप रे, मतलब और कुछ ठीक नहीं है छपरा का? कुछ ठीक है यहाँ पे। ये बोतल वोतल फेंको, पुराना बोतल नहीं रखना है। अरे पानी है बाबू, थोड़ा सा गिरा वो रख लो ना बड़ा वाला। नहीं नहीं सब बेकार है, मैं घर पे बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकला है। तो अभी चलते हैं घर हथुआ मार्केट इनका पैंट लेने के। अंदर साफ हुआ है यहाँ पे? अभी मौसमी पी लीजिए, मेरे लिए जूस पी रहे हैं आप? बाप, यहाँ बचपन से आते हैं बस सुबह, आपको मालूम है यहाँ पे बचपन से आते हैं। कितना छोटे थे भैया हम? स्कूल से आके पी के चल जाते थे, खाता रहता था मम्मी के पास, ये हमसे पैसा भी नहीं लेते थे। आएगी मम्मी तो बोलेंगे कि लूसी कर। हाँ उसके पहले तो मम्मी मम्मी के साथ आते थे। आज हम लोग की दीदी जन्माष्टमी कर रही है, तो चलिए देखते हैं। अभी मेरी दीदी सजा रही है ये सब। अब सबको पता ही क्या जन्माष्टमी है, तो मेरा सारा सब कुछ जो सेटअप वगैरह है वो मेरा कोलकाता में था, बट अभी हम आ गए हैं बिहार में, तो जन्माष्टमी है तो जैसे वैसे जुगाड़ उगाड़ करके झूला बस नहीं मिल पाया, बाकी सब कुछ हम लोगों ने अरेंज कर लिया है, पापा ने करवा दिया है। तो अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग सब कुछ, कान्हा जी को सजा रहे हैं, नहला रहे हैं और पूजा करेंगे, फिर आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे और मेरा हेल्प करेगी पी। तो अभी हम लोग सब फ्रूट्स वगैरह धो रहे हैं और मेरा फास्ट है, और रात में 12 बजे, जैसे कि सबको पता है 12 बजे रात को कान्हा जी का जन्म होता है, और आज का पूजा का टाइमिंग 11:46 से 12:15 समथिंग का है, उसके बीच में ही आपको पूजा करना है। तो अभी से तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे, नहा के फिर रेडी होंगे, फिर पूजा करेंगे। तो देख सकते हैं अभी मैंने ये माला पहनाया है कान्हा जी को मेरे, और ये कपड़ा उनका हुआ, और फ्लावर वगैरह से सजा रहे हैं, और मिठाई वगैरह भी आ चुका है, और अभी हम निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। का सजाने का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब बारी है, अभी बज रहा है 11, तो 44 मिनट्स अभी भी टाइम है, तो अभी चलते हैं नहाने के लिए, नहा के थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं
और उसके बाद फिर करते हैं पूजा। तो फाइनली हम तैयार भी हो चुके हैं, मेकअप में बस थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिए ताकि फ़ोटो वोटो अच्छा आए, और सिंपल सा साड़ी पहने, और वो भी मम्मी का साड़ी है, मेरा नहीं। रात में था इसीलिए। और मेरा साड़ी एक निकालना मतलब फिर उसको पॉलिश करा के और फिर उसको मतलब वॉश करा के रखना पड़ता है, तो इसलिए जस्ट मैंने मम्मी का ही साड़ी पहन लिया येलो कलर का। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी साड़ी का, ये मम्मी का साड़ी है और यही साड़ी का सेम मेरे पास ग्रीन कलर है, और आप लोग देख सकते हैं लगा ना थोड़ा सा। तो मम्मी मेरे लिए खाना भी बना रही है क्योंकि 12 बजे के बाद खाना भी खा सकते हैं, तो सिंपल सा बना रही है। नहीं, हम उधर बैठ गए थे, तो अभी जा रहे हैं थोड़ी देर में पूजा करने के लिए। कैसे लग रहे हैं हम? तो गाइस देखिए, पूजा फाइनली स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और आकांक्षा पूजा कर रही है। कान्हा जी को दिखा दीजिए, पहले आपको दिखा दे अच्छे से। एक बजे तो फाइनली पूजा स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए आकांक्षा कान्हा जी को लगा रही है टीका। और ये मेरा कान्हा, आप भी आपको। और ये देखिए फ्रूट्स है, 5 टाइप्स का है, स्वीट्स भी है कंपलसरी। ये बजेगा कि नहीं मेरे से सुबह? बजा के देखो एक बार। अरे बाप रे, बज तो गया। इधर देख के जोर से, और एक बार, तीन बार, और एक बार। चलो पूजा सफल हुआ आपका, शंख सब कोई नहीं बजा सकते। तो चलिए आरती टाइम स्टार्ट हो गया है, आकांक्षा आरती करिए। देखिए आप लोग मेरा कान्हा तो इधर ही है। जागी तुम भी आरती धीरे से दिखा लो। कान्हा जी का जन्म भी हो चुका है, हैप्पी बर्थडे। आप लोग भी आरती ले लीजिए सब यूट्यूब फैमिली। अभी हम घर में सबको आरती लेके दिखाइए कान्हा जी। मम्मी पापा को टीका लगा दो। लगा दी फिर कॉपी राइट आ जाएगा। मेरी दादी है, दादी येलो कर दो पहले। आरती का थाली रख के पूजा हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब थोड़ी देर भूख लगने रख देते हैं, और उसके बाद फिर सब कोई प्रसाद खाएगा। और कैसा लगा? का भी व्रत टूटने वाला है अभी। हाँ, का फेवरेट बिरयानी बनने वाला है। मम्मी बिरयानी बना रही है और बहुत सारा चीज़ बना रही है, फिर हम लोग खाएंगे। और
खीरा काटो। और कान्हा जी का फेवरेट है खीरा, तो पहले उसको काटेंगे क्योंकि खीरा से ही उनका, पता नहीं मेरे को उतना मालूम नहीं है खीरा से ही नहीं कान्हा जी का। मम्मी तुम बता दो तो खीरा, अच्छा हम लोग खीरा क्यों करते हैं, मतलब खीरा क्यों स्पेशल चढ़ाते हैं कान्हा जी? क्योंकि बोलते हैं कि खीरे से ही कान्हा जी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसमें उनको दिखाते हैं और पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं कृष्ण जी को। तो ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये खीरा इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट सबसे पहले खीरे का ही प्रसाद खाया जाता है। आपको पता था? नहीं मेरे को नहीं पता था। तो अब कांचा खीरा काट रही है, देखिए छिलू नहीं, ऐसे ही काट दो बेटा। हाँ ऐसे ही ऐसे बहुत सारा चीज है, दो काटो ना, एक ही ठीक है, यहाँ नहीं रखता, जगह नहीं है। ये हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, क्यूट लग रहे एकदम। और अगर कोलकाता में रखते तो हम लोग के पास वो झूला भी था, बट अभी जो है भगवान उसमें ही खुश हो जाए। नेक्स्ट टाइम फिर देखते कहाँ होता है, तो फिर अच्छे से सेलिब्रेट करें। मैं जा रहा हूँ नारियल को, सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए, नारियल एक बार में ही फूटना चाहिए, है ना मम्मी? यस, नारियल एक बार में ही फूटना चाहिए। नारियल सुबह एक बार में ही फूटना चाहिए। एक दो तीन, पूरा एकदम मन का भगवान के याद में फोड़िए, जोर से फोड़िए। जय, अब थोड़ा सा कान्हा जी पे चढ़ा दीजिए। हाँ बस, कम्प्लीट हो चुका है और अब व्रत खोलने का टाइम है। तो अभी अपन लोग नहीं, मतलब हम असली औकात वाले कपड़े में आ गए हैं, हाफ पैंट और टी शर्ट की साड़ी, तो भैया गर्मी में बर्दाश्त नहीं होता और हमसे तो बिल्कुल भी नहीं। कौन कहता है ये दादी बूढ़ी हो गई है, अभी भी जवान लगती है। और ये जाने में मेरा फेवरेट वेज बिरयानी, चटनी और पापड़, मतलब सारा दुनिया का बड़े से बड़ा महंगा खाना एक तरफ, और मम्मी का बनाया हुआ बिरयानी एक तरफ। मम्मी का थोड़ा तबीयत ख़राब है, पैर में उसके चोट लग गया है और फ्रैक्चर भी हो गया था, तो फिर भी कैसे कैसे करके मेरे लिए बनाई है। और गिप्पी जो कि ये भी पूजा की है और अब जा रही है खाना खाने, मेरे साथ ही खाएगी, है ना गिप्पी? क्या करें, लास्ट में क्या बोलना है, अब क्या बोलना है गिप्पी लास्ट में? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जोर से एकदम। पंखा बोल, नहीं पंखा नहीं, कूलर, तुम जोर से ही बोल दो ना कि मेरे दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और क्या दबाइए? और लाइक, कौन सा आइकन दबाइए? और लाइकम, और लाइकम क्या दबाइए गिप्पी? बेल लाइकम को दबाइए, सब भूल गए। बोल लाइक करो, फॉलो करो, लाइक करो, फॉलो करो, बाय बाय। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो आपको मालूम ही है क्या करना है, क्या करना है बता चुकी है पहले ही, क्या करना है गिप्पी? लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और सौ से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे फॉलो नहीं चलते, यहाँ सब्सक्राइब होता है। ठीक है, बोल दो, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग में।